यहाँ पर तो फोर्स लगा रही थी रोड साइकिल पर, तो फोर्स लगा रही थी रोड साइकिल पर, मोशन हो रहा था साइकिल का। अब क्या है कि फोर्स लगा रही है साइकिल किस पर, रोड पर। क्या रोड का कोई मोशन हो रहा है? कह रहे हैं नहीं, रोड का कोई मोशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर लिखेंगे कि फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन रोड बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड इज व्हाट इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर वर्क डन बाय साइकिल ऑन रोड, वर्क डन बाय साइकिल ऑन रोड इज इक्वल टू, फोर्स कितनी भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको बोल भी दूं एफ एस कॉस थीटा, तो ये एफ कितना हो गया, चलिए -200, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, तो कॉस थीटा कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, ये हमारे पास आ गया जीरो जूल। बताइए जी समझ में आ गया? ईशान समझ गए? क्लियर यस है? सर, ठीक है जी, अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसमें पढ़ेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स मतलब अभी तक तो मैं ये कह रहा हूँ कि फोर्स हमारी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब अगर 200 न्यूटन लगा रही है यहाँ पर, 200 न्यूटन की अगर फोर्स लगाई जा रही है तो वो 200 न्यूटन की ही लगाई जा रही है, वो चेंज नहीं हो रही है फोर्स। लेकिन अगर ये बोला जाए कि आपकी फोर्स जो है वो भी चेंज हो रही है, यानी कि फोर्स इज वेरिएबल, तो उस केस में हमें क्या करना होगा वो देखना है। तो नेक्स्ट मैं टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाई अ वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है कि फोर्स विच इज नॉट कॉन्स्टेंट, फोर्स विच इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, लगातार चेंज हो रही है फोर्स। तो ऐसे में हम एक काम करते हैं, जब हम वर्क डन निकालते हैं वर्क डन बाई अ वेरिएबल फोर्स, तो हम एक काम करते हैं कि एक ना डायग्राम बनाकर देखेंगे, और मुझे वर्क डन निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो फोर्स की और एक डिस्प्लेसमेंट की, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगल अगर दे रखा है इट इज वेल एंड गुड, नहीं तो हम ये मानकर चलते हैं कि फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का सेम डायरेक्शन है। तो मैं ये कहता हूँ कि एंगल के बारे में भी जरा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम ये सोचते हैं कि एक फिक्स डायरेक्शन में, लेट अस सपोज दैट, लेट अस सपोज दैट फोर्स, बल्कि हम बोलेंगे लेट अस सपोज दैट अ वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इज बीइंग अप्लाइड ऑन अ बॉडी इन अ, धन्यवाद बेटा जो मैं लिख रहा हूँ एक लाइन, एक ही लाइन लिख रहा हूँ, ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, फिक्स्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है कि डायरेक्शन उसकी फिक्स है। ठीक, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि हमने डायरेक्शन को फिक्स कर दिया, डायरेक्शन इज कांस्टेंट, तो अब जरा डायरेक्शन को तो अलग हटा दो, यानी कि वो जो कॉस थीटा हम लेते थे उस कॉस थीटा को अलग हटा दो, वो वर्क डन पर डिपेंड करेगा लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा है, दैट थीटा इज फिक्स्ड, तो उस थीटा को हमने हटा दिया, तो अब मेरे पास सिर्फ एक चीज है कि जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स लगाने से मोशन जरूर होगा बॉडी में, मोशन तो कंटिन्यूअसली चेंजिंग है भाई, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, पहले बॉडी चली 1 मीटर, फिर चली 2 मीटर, फिर चली 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, वो चलती जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो रहा है। अब तक मैंने ये पढ़ा था कि फोर्स चेंज नहीं हो रही थी, जैसे यहाँ पर भी 200 न्यूटन की फोर्स लगाई थी, अब फोर्स भी चेंज हो रही है, वो कैसे स्टडी करेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं एज शोन। हमने एक ग्राफ लिया यहाँ पर ऐसे,
यहां पर मैंने लिया डिस्प्लेसमेंट और यहां पर मैंने लिया फोर्स, फोर्स मतलब एफ। और डायग्राम ऐसा बना रहा हूं मैं, ये इसका मतलब क्या है, अगर मैं किसी भी पॉइंट पर देखता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पर देखा, तो यहां पर मैंने इस पोजीशन को बोल दीजिए, मान लीजिए मैंने बोल दीजिए, मैंने इस पॉइंट को बोल दिया इस पोजीशन को एक्स आई। एक्स आई का मतलब क्या है, इनिशियल पोजीशन। ये इनिशियल मेरी जो बॉडी है, जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको मैं पुश कर रहा हूँ आगे धकेलने के लिए, तो उसकी इनिशियल पोजीशन ये है एक्स आई। और धीरे धीरे पुश करके मैं इसको एक फाइनल पोजीशन पर लेकर आ गया, यहां पर मैं इसको पुश करता हुआ फाइनल पोजीशन पर लेकर आ गया, माई फाइनल पोजीशन इज एक्स एफ। इसको हटा दीजिए, देखने में दिक्कत होगी, ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो एक्स आई और एक्स एफ। तो आप समझ गए कि मेरी इनिशियल पोजीशन है एक्स आई और फाइनल पोजीशन है एक्स एफ। एक्स एफ माइनस एक्स आई करूंगा तो ये बीच की दूरी यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो आप ये देखो कि एक्स आई पर फोर्स कितनी है, इतनी। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, फोर्स कितनी हो जाएगी, इतनी, ये वैल्यू चेंज। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो फोर्स कितनी हो जाएगी, इतनी। फोर्स कहां पर है, वाई एक्सिस पर। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो फोर्स मुझे और ज्यादा मिल जाएगी, यानी कि मेरी फोर्स जो है वो तो कॉन्स्टेंट है नहीं, फोर्स इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, और जो चीज चेंज होती है उसी को मैं बोलता हूँ वेरिएबल। मैं इसीलिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि लेट अस कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, मैं वेरिएबल फोर्स की बात करता हूँ। तो अब हम ये करेंगे, जब इस तरीके का मेरे को कोई चीज दे रखी हो तो हम कहेंगे कि लगातार मेरी फोर्स जो है वो देखिए पहले जरा सी देरी के लिए कॉन्स्टेंट थी, फिर बड़ी 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 और लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो मेरी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक फोर्स की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, मतलब बढ़ रही है, ठीक। हो सकता है ये कम भी होती हो, घटती भी हो, पर यहाँ पर जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली फोर्स लगातार बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारे पास ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है, अब ये जो डॉट्स डॉटेड लाइंस बनाएंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि फोर्सेस वेरिएबल, इसलिए अभी डॉटेड लाइंस को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, और मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पर ग्राफ को स्टडी कैसे करना होता है वो आप देखिएगा, ग्राफ क्या है, इसमें ग्राफ क्या है, इसमें ग्राफ ना यहां से लेकर और यहां तक ये जो प्लॉट तैयार हुआ है ना, इसको ग्राफ बोलेंगे। यहां पर ये है मेरा ग्राफ, ग्राफ किस किस के बीच में, ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर आप क्या करोगे, ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ में आप एक्स एक्सिस के साथ में आप छोटी 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 स्ट्रिप्स बना लीजिए, बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना लीजिए। कैसे, मैंने एक स्ट्रिप यहां बना ली, इधर एक स्ट्रिप मैंने यहां बना ली, एक स्ट्रिप यहां बना ली, एक स्ट्रिप इधर, एक स्ट्रिप इधर, एक स्ट्रिप इधर, एक स्ट्रिप इधर, मैं ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी स्ट्रिप्स बनाता जा रहा हूं, ठीक है। ये क्यों बना रहा हूं अभी बताता हूं, दो मिनट में। हमने क्या कर रहा, हम ये छोटे छोटे स्ट्रिप्स बनाते जा रहे हैं। तो अब इसमें मैंने ये कहा कि बहुत छोटी छोटी मैंने स्ट्रिप्स बनाई है, तो यहां और यहां इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, इन दोनों के बीच का जो गैप है, उस गैप को मैंने बोल दिया डेल्टा एक्स। ये बताइए, ये समझ में आ गया सबको भाई, मैंने छोटी छोटी स्ट्रिप्स बनाई तो एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है, ये जो छोटी छोटी स्ट्रिप्स बनाई है ये हर जगह टच कर रही है, यहाँ पर इसको डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सेस यानी कि एक्स एक्सेस को टच कर रही है, तो हर जगह पर ये टच कर रही है। तो मैंने कोई दो पॉइंट्स ले लिए, उन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत मामूली सा, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, उसको मैंने डेल्टा एक्स मान लिया। ये समझ में आता है कि नहीं, ये बताओ। ये हाँ बोलो सर, आपने एक्स आई और एक्स एफ के बीच में मैंने छोटी 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 बहुत सारी स्ट्रिप्स बना ली है, बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप्स मैंने बनाई है, उसमें मैं कहता हूँ कि चलो मैं एक स्ट्रिप को स्टडी कर रहा हूँ, मैं इस वाली स्ट्रिप को स्टडी कर रहा हूँ, इसको इसको। मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं, बताइए। मैं एक स्ट्रिप को मतलब एक छोटे से टुकड़े में मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या है वो स्टडी करना चाहता हूँ, बताइए, इतना समझ में आ गया। मैं पूरा जो ग्राफ है मैं पूरे को स्टडी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतने पोर्शन को स्टडी करना चाहता हूँ। ये समझ गया कि नहीं? यस सर, बताइए। ठीक
एकांश समझ गए? यस सर। समझ? यस सर। तो जब मैंने इतना कर लिया, अब इसके बाद में आप ये देखिएगा, जैसे अर्थ के बारे में बोलते हैं, अर्थ की सरफेस है बहुत बड़ी, लेकिन अर्थ की सरफेस क्या है? कर्व्ड है, बिकॉज अर्थ इज अ स्फीयर, तो अर्थ की सरफेस कर्व्ड है। लेकिन आप जब ग्राउंड में खेलने जाते हो, दौड़ लगाने जाते हो, तो आपको क्या लगता है? आपको तो लगता है अर्थ तो बिल्कुल फ्लैट है। तो आप जितने ग्राउंड में खेल रहे हो, वो अर्थ के इतने बड़े करोड़ों किलोमीटर स्क्वायर का जो अर्थ का एरिया है, उसके कंपैरिजन में इतना सा है, जरा सा नन्हा सा, ठीक है? तो उस एरिया को वहां पर आप कर्व महसूस नहीं करेंगे, आपको कर्व का पता नहीं चलेगा। तो ग्राफ यहां से लेकर यहां तक इतना बड़ा था, मैं जानता हूँ यहां से लेकर यहां तक वैल्यू बहुत ज्यादा लगातार या फोर्स चेंज हो रही है। लेकिन हम कहेंगे यहां से लेकर यहां तक मान लिया कि इधर से इधर तक भी फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है? क्योंकि इतने मामूली से अंतर में मेरी फोर्स उतना ज्यादा बढ़ नहीं रही। हो सकता है 9.1 न्यूटन से 9.12 न्यूटन हो जाए, तो वो 0.02 न्यूटन का जो अंतर है, उस अंतर को हम अंतर नहीं मानते। हमने ये कह दिया कि और स्मॉल टाइम डेल्टा एक्स और स्मॉल टाइम डेल्टा एक्स फोर्स, अनुमा समझ में आ गई है कि फोर्स कैन बी अज्यूम्ड टू बी कॉन्स्टेंट। अनुमा समझ गए कि नहीं? ये जो छोटा सा डिस्टेंस लिया है ना, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, इसके लिए मैं कहूंगा यहां से लेकर यहां तक कोई खास चेंज नहीं हो रहा है फोर्स में, तो फोर्सेस कांस्टेंट। तो ये वाली जो मैंने स्ट्रिप ली है, इसके पॉइंट्स बोल दीजिए, ये इस पॉइंट को बोल दो ए, इस पॉइंट को बोल दो बी, इस पॉइंट को बोल दीजिए सी, और इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए डी, ठीक है? तो मैं कहूंगा सो एबीसीडी कैन बी कंसिडर्ड एज अ रेक्टेंगल। ईशान की आवाज आ रही है? यस सर। समझ रहे हैं आप? यस सर। ऐश्वर्या? ऐश्वर्या समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है जी। हाँ सर। ओके ओके, अब जरा देखिएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी। अब ये अगर रेक्टेंगल हो गया, मैंने कहा यहां से लेकर यहां तक वाली जो विड्थ है, ये विड्थ कितनी है? डेल्टा एक्स। और यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है, ये क्या है? एफ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, यही तो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैंने ये कर दिया एफ मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स, एफ मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स। ये समझ में आता है कि नहीं? और जैसे ही मैंने देखा कि अरे f मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स, यार ये तो फोर्स है, मैं तो निकाल रहा हूँ रेक्टेंगल का एरिया, और ये रेक्टेंगल की लेंथ तो आ गई फोर्स के बराबर, और रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो आ गई किसके बराबर? डेल्टा एक्स के बराबर। ये तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये तो हमने क्या पढ़ा था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन होता है। तो इसीलिए मैंने क्या बोल दिया कि निकालो तो मैं एरिया रहा हूं, लेकिन मैंने क्या देखा कि मेरी लेंथ तो है फोर्स, मेरा जो ब्रेथ है वो क्या है? डेल्टा एक्स। मैं इसको वर्कडन बोल दूंगा। ये समझ में आता है कि नहीं आता बताइए? आदित्य सारे रेक्टेंगल इंटीग्रेट कर। यस सर। ठीक है, चलिए जी। तो ये वर्कडन हो गया, कितना? जरा से डिस्प्लेसमेंट के लिए, डेल्टा एक्स के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना लिया? बहुत जरा सा, मामूली सा। तो मैं ये कहूंगा कि ये मेरे पास एफ डेल्टा एक्स, ये क्या आ गया? ये वर्कडन आ गया। तो मैं यहां पर ये बोलूंगा सो इफ वी एड ऑल दीज एरियाज, if we add all these areas, ये जो छोटी छोटी सारी की सारी strips हैं, अगर मैं सारे area को add कर दूं तो मेरे पास total work done आ जाएगा, है ना? तो मैं बोलूंगा तो I will get total work done, total work done W is equal to summation, आप सारे areas को add कर दीजिए, summation कहाँ से कहाँ तक? summation इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक, आपने समेशन कर दिया एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक, ठीक है? किसका? इसका, एफ इनटू डेल्टा एक्स का।
ठीक, तो ये आपके पास आ जाएगा वर्क ना। फिर उसके बाद मैं ये कहूंगा कि अब ये जो हमारे पास डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स को आप डिफाइन तो करोगे, डेल्टा एक्स कितना है, इतनी इसकी वैल्यू है। हम कहेंगे जी हमने डेल्टा एक्स बहुत ज्यादा सा लिया है, मामूली सा। मामूली सा क्या होता है ये, मामूली सा मतलब इट इज टेंडिंग टू जीरो। मैं ये कहूंगा डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, क्योंकि डेल्टा एक्स मैंने बहुत छोटा सा लिया है, तभी तो इतने जरा से डिफरेंस के लिए हमारा जो फोर्स है वो कांस्टेंट मान लिया मैंने। देखिएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब इस चीज को मेंशन करिए, इसको ऐसे लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो समेशन एक्स आई टू एक्स एफ और एफ डॉट डेल्टा एक्स। ठीक है, और ये चीज आप लोग जानते हैं कि जब समेशन इस सिग्मा वाले साइन के साथ में लिमिट आ जाता है तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब इंटीग्रेशन हो गया। मैं ये मिटा रहा हूं, इन दोनों का मतलब इंटीग्रेशन हो गया। तो ये मैं कहूंगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट क्या है एक्स आई और अपर लिमिट क्या है एक्स एफ, एक्स आई से एक्स एफ इंटीग्रेशन एफ। और अब डेल्टा एक्स नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे डी एक्स, एफ डी एक्स। और ये तो मुझे चलो समझ में आ गया, इंटीग्रेशन बताइए समझ में आ गया, ये चीज क्लियर है हम तक, बताइए ये चीज क्लियर है सभी बच्चों को? यस यस सर। अनुष्ठा, आर्यन डिग्रा, आर्यन त्यागी, दृष्टि, एकांश, सभी बताओ यस सर। यस सर। अच्छा अब जब देखिएगा ये मेरे पास इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि भाई ये छोटे 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 जितने भी स्ट्रिप्स हैं सबके एरिया को ऐड कर दिया, तो ये जो ओरिजिनल ग्राफ था इसके नीचे का सारा एरिया आ गया है ना। और ये क्या है, ये है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। मैं क्या कहूंगा इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। बता दीजिए समझ में आया कि नहीं, कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व ही क्यों लेते हैं हम वर्क डन? वर्क डन के बारे में बोल देते हैं कि भाई फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व के नीचे का एरिया निकाल दो वर्क डन आ जाता है। वो पता कैसे चला मेरे को, वो पता ऐसे चला कि मैंने तो ऐसे ही सोचा कि एक छोटी सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना लेते हैं, उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का मैंने एरिया निकाल लिया। क्यों? मैं जानता हूं भाई लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते ही मैंने देखा अरे इसकी लेंथ तो फोर्स है और इसकी जो ब्रेथ है वो डिस्प्लेसमेंट है ना, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो हमने पढ़ा है वर्क डन होता है, इसीलिए मैंने देखा कि ये तो वर्क डन हो गया। अब ऐसी जितनी भी छोटी छोटी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स थी सबको ऐड कर दिया तो टोटल वर्क डन आ गया, और टोटल वर्क डन के साथ साथ जब सबको ऐड करा तो सारा का सारा एरिया आ गया कि नहीं आ गया? तो हम कहेंगे कि ये जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व है इसके नीचे का एरिया ही वर्क डन होता है। बताइए जी समझ गए? अरे डिग्रा क्लियर है? आर्यन डिग्रा क्लियर है कि नहीं बताइए? नहीं पता भाई, ये सो गया है पक्का, आवाज नहीं आ रही है। चलिए जी अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, इसमें ये हो गया वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक, और याद रखिएगा ये चीज जो है आपसे ये वाइवा में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अब इसमें लॉकडाउन के टाइम में वाइवा बहुत हो रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ये एरिया ही क्यों होता है, वो आप अब एक्सप्लेन कर पाएंगे। मैं वीडियो भी आपको भेजूंगा, अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो प्लीज दोबारा देख लेना। चलिए जी एक क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, चलिए नोट करिए फटाफट। मैं ये बिठा रहा हूं उधर वाला क्वेश्चन, विनायक समझ में आ गया तुम्हें? विनायक को भी आवाज नहीं आ रही होगी, असल में ऐसे में ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है अचानक जब मैं कुछ पूछता हूँ। सर मुझे आ रही है। अरे तुम्हें तो आ रही है, विनायक से जब मैं पूछूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे जब तुम्हें पूछूंगा तो तुम जवाब नहीं दोगे, बाकी बच्चों को आवाज आएगी, ये होती है कई बार प्रॉब्लम। लो ये तो गायब ही हो गया। चलिए
अभी ये गायब भी जानबूझ कर हुआ होगा ये दिखाने के लिए कि नहीं सर सचमुच में प्रॉब्लम थी, देखो मैं हट गया था वहां से। अगला देखिएगा, तो वुमन पुशेस अ ट्रंक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म व्हिच हैज अ रफ सरफेस। फटाफट से क्वेश्चन नोट करेंगे, a woman pushes a trunk on a railway platform which has a rough horizontal surface. Full stop. She supplies a force of 100 newton over a distance of 10 meter. She supplies a force of 100 newton over a distance of 10 meter. Full stop. Thereafter, she gets tired. Then she gets tired. Then she gets tired. T-I-R-E-D. Tired. Vinayak, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अरे वाह, चलिए. And her applied force reduces linearly. And her applied force reduces linearly with a distance of 15 meter. With a distance of 9, with a distance to 50 newton, full stop. अभी फटाफट नोट करिए फिर समझाता हूँ क्वेश्चन। The total distance by which the trunk has been moved is 20 meter. The total distance by which the trunk has been moved is 20 meter. Full stop. Plot the force applied and the frictional force. Plot the force applied by women. By woman and the frictional force which is 50 newton. Frictional force which is 50 newton. Calculate the work done by the two forces over 20 meter. Calculate the work done by the two forces over 20 meter. Over 20 meter. तो सबसे पहले मुझे प्लॉट बनाना है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, अ वुमन पुशेस अ ट्रंक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म व्हिच हैज अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक वुमन क्या करती है कि एक वुमन जो है वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक ट्रंक है, ट्रंक मतलब बड़ा सा सूटकेस है, वो उसको पुश करती है एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर पुश करके ले जाती है। फोर्स शी सप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर तक वो 100 न्यूटन की फोर्स लगाती है और उसको खिसकाती हुई ले जाती है। उसके बाद then she gets tired and her applied force reduces linearly with the distance to 50 meter. फिर क्या होता है उसके बाद वो 10 मीटर तक जब उसको खिसका देती है बॉक्स को, तो 10 मीटर खिसकाने के बाद में फिर वो थक जाती है। थकने के बाद में फिर क्या होता है कि
थोड़े से डिस्टेंस और चल पाती है वो, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो स्पीड है, जो उसकी फोर्स है, वो 100 न्यूटन से घटते 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 50 न्यूटन पर आ जाती है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? धीरे धीरे घटते घटते वो 50 न्यूटन तक आ जाती है। द टोटल डिस्टेंस बाय विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस बाय विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर, प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय वुमन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन। ये मेरे को प्लॉट करना है। ठीक है, तो जब मैं बनाऊंगा तो मैं क्या बनाऊंगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाऊंगा, क्योंकि मुझे दो ही चीजें दे रखी हैं, मुझे दो ही चीजें दे रखी हैं, एक तो 100 न्यूटन का फोर्स, फिर 50 न्यूटन का फोर्स, फिर 50 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स। डिस्टेंस पहले चलती है 10 मीटर और टोटल डिस्टेंस मूव्ड इज 20 मीटर, तो मैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व बनाऊंगा। ठीक है, और सीधी सी बात है भाई, पहले फोर्स लगा रही थी 100 न्यूटन का, 10 मीटर तक लगाया 100 न्यूटन का फोर्स, फिर वो थक गई, थकने के बाद उसका फोर्स जो है वो धीरे 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 रिड्यूस हो गया। कहां तक रिड्यूस हुआ? 50 न्यूटन तक। ठीक है, 100 से घटते घटते उसका फोर्स अप्लाइड 50 न्यूटन तक आ गया, यानी कि फोर्स इज गेटिंग चेंज्ड। तो फोर्स वेरिएबल है, वेरिएबल फोर्स है, तो हम यहाँ पर वेरिएबल फोर्स वाला फंडा लगाएंगे। जरा देखिएगा, इसमें प्लॉट बनाना है पहले, तो देखिए जी, मेरे पास यहाँ पर जब मैंने प्लॉट बनाने के लिए बोला तो हम क्या करेंगे, इधर ले लेंगे फोर्स, और इधर ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट। यह है फोर्स, फोर्स लगाई उस लेडी ने 100 न्यूटन की, 100 न्यूटन की वो फोर्स लगाती रही लगाती रही लगाती रही कंटिन्यूसली, कहाँ तक? 10 मीटर तक। 10 मीटर तक उसने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करी 100 न्यूटन की। Thereafter she gets tired and then, thereafter she gets tired and then her applied force reduces linearly। अब वो linearly reduce होती है। कहाँ तक? 50 न्यूटन तक आ जाती है linearly घटते हुए, मतलब curve के through नहीं, एक linearly, linearly मतलब ऐसे। टोटल डिस्टेंस मूव कितना है? 20 मीटर। तो ये 10 मीटर है, तो ये 20 मीटर, मतलब यहां से यहां तक उसकी फोर्स लीनियरली ऐसे ओवर अ लाइन रिड्यूस होती है। लीनियरली रिड्यूस, रिडक्शन का मतलब समझ में आ गया आपको? ठीक है, एक तो लीनियर रिडक्शन होता है, तो लीनियर रिडक्शन मतलब ऐसे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आई ऊपर से नीचे की तरफ, और एक होता है कि ग्रेजुअली रिड्यूस करना, वो लीनियरली नहीं है, ग्रेजुअली रिड्यूस करना। तो ग्रेजुअली रिड्यूस में इस पॉइंट से और नेक्स्ट पॉइंट तक इस तरीके से रिड्यूस होती है। समझ गया मेरी बात? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रेजुअल रिडक्शन एंड लीनियर रिडक्शन। लीनियर रिडक्शन मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे। ठीक, तो 50 मीटर तक आकर अब ये मेरे को फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व बनाने की आगे जरूरत नहीं है, ये यहीं पर खत्म हो गया। 20 मीटर पर खत्म क्यों हुआ? पहली चीज तो उन्होंने बताया कि वो 20 मीटर तक ही खिसका पाई, और दूसरी चीज उन्होंने ये बताई है यहां पर कि 50 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स है। 1 मिनट रुकिए बेटा, 1 मिनट। पहली चीज को इन्होंने बताई है कि भाई उसकी जो फोर्स जो लगा रही थी वो 50 न्यूटन है, और जो सरफेस है वो रफ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 50 न्यूटन ही लग रही है। 50 न्यूटन फोर्स लगती है फ्रिक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन यानी कि वो फोर्स हमारी क्या होगी? नेगेटिव फोर्स होगी। तो 50 न्यूटन अगर मैंने ऊपर दिखाया है तो 50 न्यूटन ही मैं नीचे भी दिखाऊंगा, और सरफेस बिल्कुल सेम है, सरफेस रफ है, तो थ्रू आउट रफ रहेगी पूरे 20 मीटर के 20 मीटर। ये हो गई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये पूरे 20 मीटर में सेम रहेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 50 मीटर की। बताइए क्लियरली समझ में आ गया? हाँ जी सर। ये है, अच्छा जी। अब इसके बाद हम ये कहेंगे कि ये तो इन्होंने प्लॉट बनाने के लिए कहा था, तो प्लॉट तो हमने बना दिया। प्लॉट बनाने के बाद में फिर ये बोल रहे हैं कि आप इसका वर्क डन कैलकुलेट करें पूरा ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, वो सॉरी 20 मीटर, ये आप इसका कैलकुलेट करिएगा। तो जरा देखिएगा, अब इसमें
calculate the work done by these two forces over 20 meter. So work done by the lady. मैंने कहा ये ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब वो, इस पॉइंट को बोल दीजिए बेटा ए, इसको बोल दीजिए बी, इसको बोल दीजिए, इस पॉइंट को बोल दो सी, इस पॉइंट को बोल दो डी, और इस पॉइंट को बोल दो आप ई, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा, मैं ये कहूंगा वर्क डन बाय द लेडी इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ डैश एस कर्व, यानी कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। ईशान समझ रहे हो? देखिएगा अब जो एरिया अंडर एफ एस कर्व है, ऐसे क्वेश्चंस आपने नाइन्थ क्लास में भी करोगे, तो एरिया जब बनेगा तो बेटा पूरा एरिया बनेगा, ये देखो ये यहां से लेकर यहां तक, ये ओ ए बी सी का रेक्टेंगल। हर शांत आ गया होगा जवाब दे रहा है? ओके दे रहा हूँ मैं। इसका मतलब आज नेटवर्क ठीक है तुम्हारा। चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओएबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस डीई क्या कह रहे हो? 1000 जूल। 1000 जूल, अभी देख के बताता हूँ। जाओ जरा, गलत आ रहा है, दोबारा देखो। हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स कौन सी है बेटा? एक तो ये हो गई बीसी और एक ये हो गई डीई, तो देखिएगा हाफ बीसी प्लस डीई पहले तो ये हो गया, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? CE। अब वैल्यू डालो, OC कितना है? OC कितना? 10। भाई 0 से 10 तो ये कितना हो गया? 10। OA कितना है? 0 से 100 तो कितना हो गया? ना माइनस का है। नहीं बेटा 1000 नहीं आ रही है, कैलकुलेट करके बताओ आंसर कितना है। BC plus DE, BC कितना है यहां से लेकर यहां तक, BC कितना है? 100 प्लस DE कितना है यहां से लेकर यहां तक? 50 मल्टीप्लाइड बाय CE, ये कितना है? CE 20, 10 से 20 कितना है? 10। इसको कर इंटीग्रेशन ही यही आ रहा है। हां इंटीग्रेट करके यही आ रहा है, इंटीग्रेट करके यही आ रहा है। तुमने इंटीग्रेट जो करा है उसमें तुमने फॉर्मूला क्या लगाया? मतलब F into dx करा तो उसमें फोर्स का कुछ फॉर्मूला तो यूज करा होगा। फोर्स की तो लिमिट ही है ना हमारे पास, 100 न्यूटन 50 न्यूटन। हां 0 से 100 न्यूटन, ठीक, तो 0 से 100 न्यूटन फोर्स जा नहीं रही है, यहां से लेकर यहां तक जो फोर्स है तो यहां से लेकर यहां तक तो आपकी F कांस्टेंट रहेगी, 100 dx हो जाएगा उसको इंटीग्रेट करोगे, लेकिन यहां से लेकर यहां तक जब आप इंटीग्रेट करेंगे ना तो वो लीनियरली कितने स्लोप पर इंटीग्रेट कर रही है? वो स्लोप निकाला, स्लोप निकाला। देखिए मैं इस क्वेश्चन को करा सकता हूँ इंटीग्रेशन से भी, क्या है कि ये बीडी जो है ये स्ट्रेट लाइन है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन में ये पता होता है कि हम स्लोप उसका निकाल सकते हैं। स्लोप कैसे निकालोगे? इस बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे क्या? 10, 100। इस डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 20, 50। इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारा आंसर गलत आ रहा। तो उस मेथड से अभी तसल्ली से बताऊंगा, पहले स्ट्रेट लाइन पढ़ लेना मैथ्स में, उसके बाद बताऊंगा।
ठीक है सर, आंसर 1750 है। 1750 है आंसर, बिल्कुल सही। तो 10 इनटू 100 ये कितना हो गया 1000, और ये हो गया 150। 150 इनटू 5 कितना हो जाएगा 750, तो सीधे सीधे 1750 जूल। दिस इज द वर्क डन बाय द लेडी। ये समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ूं, बताइए। यस सर, चलो चलें आगे। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद इन्होंने पूछा है वर्क डन बाय दीज टू फोर्सेस। वर्क डन बाय दीज टू फोर्सेस, तो उसका मतलब क्या है? दूसरी फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कंटिन्यूअसली लग रही है, ये -50 न्यूटन की कंटिन्यूअसली लग रही है पूरा यहाँ से 0 से लेकर 20 मीटर तक। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये बता दो अर्श कितना है। ज्यादा मत सोचना यहाँ पर, ये 1000 सॉरी -1000, ये 1000 है क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स नहीं है। यहां से लेकर यहां तक पूरे में -50 न्यूटन ही लग रहा है, सेम फोर्स है। मैंने -50 क्यों लिया है? क्योंकि ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन अपोज द मोशन, इसलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। को मैंने एफ लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, आ गया इंटीग्रेट करके दिया। हां जी, ये हो गया -1000 जूल। समझ गए सर? क्यों बोलो सर? वो मुझे ग्राफ ज्यादा समझ नहीं आया, सिर्फ न्यूटन वाला। जो आपने कौन सा वाला, ये वाला ग्राफ सर? नहीं, मुझे इसमें से बस ये जो आपने ये फिगर बनाई है ना, हाँ सर, इसका ये ए टू बी वाला पार्ट समझ नहीं आया। ए टू बी वाला? यस सर। क्या है कि 10 मीटर तक, ये देखिएगा उन्होंने बोला शी सप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो 10 मीटर तक वो एक ही फोर्स लगाती है 100 मीटर, तो 0 से 10 मीटर तक सेम फोर्स रही 100 न्यूटन की। ठीक है, तो इसका मतलब इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन कि 0 से लेकर 10 मीटर के बीच में आप कहीं भी देखें तो फोर्स आपकी सेम आ रही है 100 न्यूटन। समझ गए? यस सर। ठीक है, बताओ बेटा सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन? अरे हाँ यार, ना बोल दिया करो यार, क्लास इंटरेक्टिव लगती नहीं है, कोई भी बोलता ही नहीं। हाँ सर, देखो आदित्य को भी समझ में आ रहा है, आर्यन त्यागी यार, श्रीकांत वगैरह पता नहीं। सर मुझे भी आ गया, जब सब बोलेंगे तो कैसे चलेगा? यस सर आ गया समझ में। अनुष्का, ऐश्वर्या, अरे भाई कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, समझ गए? सर आ गया। चलिए जी, इसके बाद समझ गए ना? Yes, sir. चलो जी ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और कराऊंगा। ये क्वेश्चन देखिएगा। Yes, sir, आ गया सर। ओके, बहुत सही। चलिए जी, अब देखिएगा एक क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नोट करिए, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर। फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है जी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स गिवन बाय अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स given by f is equal to 7 minus 2x plus 3x square. F is equal to 7 minus 2x plus 3x square. Find the work done in the process. अब देखिए यहां पर मुझे जो फोर्स है ना, वो मुझे x की टर्म्स में दे रखी है। x क्या होता है? पोजिशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस, तो इसमें अर्श इंटीग्रेट करेंगे हम कहां से कहां तक? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 5। ये जो मैंने डिराइव करा था इंटीग्रेशन वाला, तो ये एक्स इज इक्वल टू 0 यानी कि इनिशियल पोजीशन एक्स आई गिवन है, फाइनल पोजीशन एक्स एफ गिवन है। वर्क डन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन एक्स 0 to x is equal to 5 f
dx, f की वैल्यू डालिए, ये है x is equal to 0, x is equal to 5, f की वैल्यू डालिए 7, minus 2x, plus 3x square, और dx, 7 is a constant, तो समझिए कि 7 के साथ में जैसे 1 multiply हो रहा है, ठीक है, तो 7 का integration क्या हो जाएगा, 7x, माइनस 2 इज अ कांस्टेंट, x की पावर 1 है, इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि x की पावर 2 अपॉन 2, प्लस 3 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का 1 नहीं होता इंटीग्रेशन, क्या कह रहे हो, कांस्टेंट का 1 नहीं होता इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 1 नहीं होता, कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है, फिर है 3, 3 इज अ कांस्टेंट, और x square क्या हो जाएगा x की power 2, तो x की power 2 plus 1 upon 2 plus 1, यानी कि x की power 3 upon 3, और limit ऐसे रखेंगे, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 5, lower limit 0, upper limit 5, दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक मिनट रुक जाओ, अब दिख रहा है सभी को, ठीक है, integration सभी को clear है, बताओ, इशार, इंटीग्रेशन का आइडिया थोड़ा बहुत हाँ सर थोड़ा है हाँ तो ये जो करा है ये समझ में आता है बताइए यस सर चलो जी 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया 3 से 3 कैंसिल आउट कर दिया क्या बचा मेरे पास देखो 7x minus x square plus x cube lower limit is 0 and upper limit is 5 तो पहले इस पूरे में x की जगह पर 5 डालो एक ब्रैकेट बनाओ 7 into 5 minus 5 का square plus 5 का cube ब्रैकेट बन minus अब सब जगह x की जगह 0 डालो 7 into x 0 minus x का square 0 square plus x 5 जीरो का क्यूब बोलिए बोलिए सर लोअर लिमिट जीरो तो डायरेक्ट अपर लिमिट डाल के भी आंसर आ जाता है हाँ एक ही बात है भाई लोअर लिमिट जीरो है तो जीरो उसमें से सबट्रैक्ट होगा किसी में से जीरो सबट्रैक्ट हो तो वो सेम ही होता है 35 5 का स्क्वायर हो गया 25 5 का क्यूब हो गया 125 125 प्लस 35 कितना हो जाएगा 125 प्लस 35 हो जाएगा 160 माइनस 25 कितना होगा बताइए जूल बताइए सभी को क्लियर है समझ में आ गया समझ गए सभी बच्चे यस सर वर्क एनर्जी एंड पावर का वर्क वाला पोर्शन फिनिश हो गया है हमारा